सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। जब आप किसी धार्मिक संस्था, पंथ या संगत का हिस्सा होते हैं या फिर जाते हैं तो आपको धर्म के मायने बताए जाते हैं। धर्म के मायने ये कि आपके जीवन में सदाचार परोपकार होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, पाप के रास्ते से दूर रहना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। जीवन जितना दूसरों के काम आ सके उतना अच्छा है, यही उसका मतलब भी है। यह सब कुछ धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे दर्शन आते हैं, उन दर्शनों के माध्यम से भी आपको धर्म के यही मायने बताए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म और धार्मिक संगठन, संगत, समाज हमारे देश में हैं और उनमें से एक है निरंकारी समाज, जिसके पास 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जिनको आप अनुयायी कह सकते हैं, श्रद्धालु भक्त कह सकते हैं, जो उसी रास्ते पर चलते हैं जो रास्ता निरंकार ने दिखाया है। ये निर्गुण का रास्ता, निरंकार का रास्ता है। लेकिन जो लोग निरंकारी मिशन की पीठ पर बैठे हुए हैं, जो चलाते हैं, बाबा हरदेव सिंह जी की बेटी सुदीक्षा, वह जो पूरा दायरा है और वह पूरा समाज है, वो अपना जीवन कैसे जीता है, उसका अपना जीवन दर्शन क्या है, जो वो समाज को कहता है और जो खुद करता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो सादा जीवन उच्च विचार का दर्शन जो समाज के लिए होता है, अपने जीवन के लिए दर्शन क्या है, अगर आप दोनों को देखेंगे तो शायद आपको ज़मीन और आसमान का अंतर आएगा। और जब कभी भी धर्म के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर करनी और कथनी में इस तरह का अंतर दिखने लगता है तो समझ लीजिए कि एक फरेब है, एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ी साजिश है उन लोगों की श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, जो लोग आपके समाज से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने अपने जीवन को आपसे जोड़ के रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि निरंकारी मिशन की पीठ पर बैठी हुई सुदीक्षा अपना जीवन जिस तरीके से जीती है, इस देश का उद्योगपति, करोड़पति, जो लोग शाही जीवन जीते हैं आलिशान, वैसा जीवन वो जीती हैं। एक प्लॉट, एक फ्लैट, या यूं कहिए कि एक कोठी मुंबई में है, 2 कोठियां हैं। इनकी जानकारी मुझ तक कैसे आई, फिर फ्रंट कैसे इसके पीछे लगा और कैसे वो तस्वीरें हमारे पास आईं, वो हमको आपको बताएंगे। लेकिन मुंबई में एक प्लॉट ऐसा है जिसको 10 करोड़ में ख़रीदा गया, बल्कि 15 करोड़ में ख़रीदा गया, और उस पर जो बिल्डिंग बनाई गई, उस बिल्डिंग में इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर 10 करोड़ खर्च किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम मैं अलग छोड़ता हूँ, उसकी जो रकम आई होगी वो अलग छोड़ता हूँ, लेकिन 10 करोड़ इंटीरियर और 15 करोड़ की ज़मीन, 25 करोड़ रुपए, आप यूं समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक महिला अपने रहने के लिए मुंबई में, या जब कभी मुंबई जाएंगे तो ठहरने के लिए खर्च करती हैं। क्या है वो? वो आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। आप दोनों पति पत्नी महाराष्ट्र हैं, मुंबई से हैं, बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 दशक तक इन लोगों ने संगत की सेवा की है, अपना पूरा जीवन दिया है, अपनी पूरी गाढ़ी कमाई दी है और बहुत खून पसीना बहाया है संगत को बढ़ाने में। आप लोगों को यह जो देखा आपने प्लॉट और ये आलीशान खर्चा, कैसा लगता है? अभी क्या बोला क्या जाए, मैं 2018 में अवनीत मम्मी के घर में गया था, 10 जून को, तो उन्होंने बताया था कि बाबा जी ने इनको ये प्लॉट लेके दिया। तभी मेरे को भी बड़ा एहसास हुआ कि इतना बड़ा प्लॉट की क्या ज़रूरत है, जब दिल्ली में घर है सब है तो इतना बड़ा प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हम तो कुछ कर सकते नहीं। कुछ मालूम पड़ा, 11 करोड़ का प्लॉट लिया और 16 करोड़ का प्लॉट लिया और 10 करोड़ रुपया उसके इंटीरियर वर्क के लिए खर्चा किया। और अभी भी वो काम चालू ही है। ये सारी जानकारी हमें अवनीत जी की मम्मी ने बताई,
जब ये उनके घर में गए थे और भी 8-10 महापुरुष थे, सबके सामने बैठ के ये बात उन्होंने बोली थी कि बाबा जी ने वो अवनीत जी को गिफ्ट करना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तो फिर वो सुदीक्षा के नाम पे वो फ्लैट है सब। एक छोटी सी बातचीत है आप जो कह रही हैं, अवनीत, अवनीत कौन है? अवनीत दरअसल बाबा जी के छोटे दामाद, सुदीक्षा के दूसरे पति, क्योंकि सुदीक्षा अब जिस वैवाहिक बंधन में रहती हैं वो उनके तीसरे पति के साथ हैं। दूसरे पति जो बाबा जी के साथ कनाडा गए और सड़क हादसे में उनकी भी मौत हो गई, मौत के बाद से सुदीक्षा ने, यानी कि बाबा जी की दूसरी बेटी जो पीठ पर बैठी हुई हैं, जो उस पूरे संगत को चलाती हैं, उन्होंने अपनी तीसरी शादी की। तो जब शादी हो रही थी दूसरी वाली सुदीक्षा और अवनीत की, तो उस दौरान बाबा जी ने कहा था कि तुम दोनों को हम गिफ्ट कर रहे हैं एक प्लॉट, जो जितनी रकम की हो, 16 करोड़ आप कहते हैं, कुछ लोग 15 करोड़ कहते हैं, और उस पर जो मकान बना उसमें इंटीरियर की खातिर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह अवनीत की माता जी ने आपसे कही, आप ये कह रही हैं, अवनीत की माता जी ने यह बात किसी और से भी कही थी? वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगा, क्योंकि यह टुकड़े की जो आप सुनने जा रहे हैं इसकी, इसका एक सिरा आप तक आता है, पहले बात सुनिए। मेरे को तो अवनीत जी ने बस वर्बली बताया था कि बाबा जी ने मेरे को वहाँ पे फ्लैट लेके दिया है डबल, और जो मतलब 15 करोड़ रुपए की जगह ली है और 10 करोड़ उसको बनाने के लिए, और वो बन रहे मम्मा शुरू हो चुका है। मैं भी बॉम्बे गई थी तो वहाँ गई थी, अच्छा। लेकिन साथ में उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि मम्मा, बाबा जी ने बोला कि इसको अपने नाम करवा लो, लेकिन मैंने अपने नाम नहीं करवाया। मैंने बोला कि आप हजूर सुदीक्षा के नाम ही करवा दो, मैं तो आपका गुरु सिख हूँ, मेरे को तो आपके चरणों में जाना है। तो यह जो मैं भी गई थी, मैं भी गई थी मतलब मैं गवाह हूँ कि हाँ मुंबई में ज़मीन है, उस पर मकान बन रहा है, बाबा जी ने मेरे बेटे को कहा था कि अपने नाम लिखवा लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं अपने नाम नहीं लिखवाऊंगा, अपनी बेटी सुदीक्षा के नाम लिखवा दीजिए। बाद में बाबा जी ने दोनों के नाम लिखवा दिया, यानी बेटी और दामाद के नाम लिखवा दिया। अब यह बातचीत, चूँकि हम जिस प्लॉट तक पहुँचे, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो इन लोगों के जरिए ही शुरुआती दौर में जानकारी आई थी, आपको कैसे आई? सर, मुझे ये जानकारी एक बहन जो कि सहारनपुर की रहने वाली, उन्होंने ये जानकारी मुझे दी थी, और फिर उसके बाद मैंने उनकी बातों पे यकीन भी नहीं किया था, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर ये बात खुद माता जी, अवनीत जी की मम्मी कमला सेत्या जी, अगर खुद अपने मुँह से इस बात का बयान देती, मैं अपने कानों से सुनूँगा तभी मान सकता हूँ, अन्यथा मैं आपकी बातों पे बिलीव नहीं कर सकता। फिर उस दौरान फ़ोन पर बात हुई, और उसके बाद में खुद माताजी ने इस बात को कबूल किया कि 15 करोड़ का जगह लिया गया और उस पर 10 करोड़ का जो डेकोरेशन का इनका जो काम का था वो उस पर किया गया। ये जानकारी खुद माताजी ने दिया, और साथ में ये भी बताया कि वो खुद वहाँ जाकर आई हुई है देख कर। जो बातचीत आप सुन रहे थे उसका एक सिरा मैंने कहा था कि इन तक आता है, वो इसी लिहाज से आता है कि वो बातचीत आपने दर्ज की थी या आपके ज़रिए आई थी, फिर आप गई थी और आपने पाया कि अवनीत सेत्या की माँ ने खुद ही आपसे कहा कि मैं भी वहाँ गई थी और ये ज़मीन ली गई थी। लेना देना खरीदना चूँकि कानूनन आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल क्या होता है? सवाल नैतिकता का होता है, सवाल उस तरह के जीवन का होता है जिस तरह का जीवन आप लोगों को जीना सिखाते हैं या कहते हैं, सवाल मानवता का होता है। अगर आपके पंथ के लोग और आपके संगत के लोग भूख से जूझते हों, आपके पंगत संगत के लोगों के बच्चे पढ़ने के लायक ना हों, यानी कि उनके पास साधन संसाधन पढ़ाने की खातिर ना हों, तो फिर आप इन बुनियादी और बड़ी चीज़ों को छोड़ करके अपने जीवन पर करोड़ों खर्च करते हों तो फिर आप काहे का आध्यात्मिक गुरु हैं, आप काहे का धर्म गुरु हैं? यही बात, फर्क क्या है? जितने लोग जानते हैं बाबा हरदेव सिंह जी को, वो कहते हैं कि उनके लिए भी एक कोठी बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस कोठी में नहीं रह सकता, मैं उसी झोपड़ी में रहूँगा, उसी जगह पर रहूँगा जहाँ मेरे पिता या मेरे पुरखे रहते आए हैं, और वो मेरे लिए ठीक है, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, दूसरों के लिए जितना कर पाता हूँ, मेरा जीवन अगर परोपकार से चले और मेरे जीवन से बाकी लोगों को सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, उनका जीवन अच्छा हो जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है, और यह अध्यात्म धर्म दोनों कहते हैं।
सर ये जब बात जब ये अवनीत सेठिया जी की मम्मी ने जब ये बोली तब एक महात्मा है ये भी वहीं पे मौजूद थे, इन्होंने भी ये बात सुनी थी, गोरखचंद जी। गोरखचंद जी आप आइएगा, लेकिन अब जब तक गोरख जी आते हैं तब तक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 10 करोड़ आप इंटीरियर पर खर्च कर देते हैं, 10 करोड़ का क्या करेंगे, क्या मढ़वाएंगे? हीरे, जवाहरात, चांदी, सोना, पलंग, वॉशरूम, अपने कमरे की छत, इस तरह की ज़िंदगी के बाद भी आपके सोने के लिए तो वही 6x3 का बिस्तर होता होगा, आपके खाने के लिए रोटी दाल चावल होता होगा। अगर आपने अपने जीवन को इतना साधन संसाधन, इतना वैभव होने के बाद भी अगर आपने सादगी का रास्ता अख्तियार कर लिया होता तो आप समाज में, इस देश में अध्यात्म का, धर्म का प्रतीक बन सकती थी। लेकिन आपने उसी लोभ, उसी वैभव और उसी तरह के चमक दमक वाले जीवन में अपने आप को खपा दिया या खिंच गई, जिस तरह का जीवन साधारण आदमी जीना चाहता है, जिसके लिए 10 तरह के पाप करता है, धत कर्म करता है। इसलिए आपके किए हुए को भी मैं उसी तरह के काम में दर्ज करता हूँ। आप आइएगा। राणा जी, हम लोग 2-3 लोग चंडीगढ़ गए अवनीश सेठिया जी की माता जी के पास, कमला सेठिया जी के, और हम लोग रात को घर में उनके रुके थे और ये बात खुद उन्होंने अपने मुखारबिंदु से बताया कि बाबा जी बहुत सारा सामान अवनीश जी को देना चाहते थे, बट अवनीश जी ने कभी ये सब चीज़ें नहीं लिया। बाबा जी कहते थे आप ये ले लो, वो ले लो। अवनीत जी एकदम प्योर भगत थे, जैसे कहते हैं ना कि एकदम पारदर्शी थे, एकदम आप उनको बिल्कुल आईने की तरह जो साफ होता है उनका दिल, ऐसा भगत थे वो। और उन्होंने बाबा जी से आज तक कभी कुछ डिमांड नहीं किया और लिया भी नहीं, और वो कहते थे कि मम्मी हम जी कर दिखाएंगे, गुरु को हम समर्पित होकर दिखाएंगे कि गुरु को क्या चाहिए। तो ये बात माता जी ने बताया था कि बाबा जी ने ज़बरदस्ती उनको वो प्लॉट दिया था, और फिर अवनीश जी ने कहा था कि प्लॉट आप मेरे नाम पर न लेकर सुदीक्षा के नाम पे ले लीजिए। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जो बातें 3 लोगों से आ रही हैं, आपने कहा कि प्लॉट की जानकारी मुझे सुदीक्षा की सास ने, यानी कि अवनीश सेठिया की माँ ने दी, आपको भी दी, और आप जिस जरिए से आ रहे हैं उस जरिए ने भी कहा कि मुझे उन्होंने ही जानकारी दी। लेकिन इस बीच में अनुराग तन्हा ने एक बातचीत बाबा जी की बहन के साथ की, यह जानने के लिए कि यह सब कुछ जो कहा जा रहा है उसका सच क्या है। यह तब की बात है जब यह तस्वीर हम तक नहीं थी या हम इस प्लॉट तक नहीं पहुंचे थे, वह बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं। इसलिए सब कुछ सुना रहे हैं क्योंकि इस प्लॉट तक पहुंचने, यह तस्वीर दिखाने के पीछे हमने बहुत सारी पड़ताल की और लोगों को जांचा परखा, जाना कि वाकई ऐसा है क्या। क्योंकि अगर आप 16 करोड़ का प्लॉट खरीदते हैं, 10 करोड़ का इंटीरियर कराते हैं, तो आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? आप कोई टाटा, बिरला, अंबानी हों तो बात समझ में आती है। आप अध्यात्म गुरु हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि जीवन में जितना कम रहे, जितना बोझा कम लेकर चलो, जीवन खुशहाल रहता है। अपने आप को ठीक रखो, दूसरों के लिए ठीक रहो। अगर यह ठीक रखने और रहने का यही फलसफा है कि सब लोग अपनी अपनी मंडली में खपे रहें और आप अपने तरीके से जीते रहें, तो फिर तो अजीब सी बात है ये। यह जो बातचीत है अनुराग तन्हा और बाबा जी की बहन की, यह पहले आप सुन लीजिए। कि मंडल के अंदर ही बाबा जी से द्रोह करने वाले उनके विरोधी और दौलत के लालची लोग मौजूद थे, क्या ये सही नहीं है? नहीं, वो तो बाबा जी क्या नहीं जानते थे यार, जानते थे ना तना जी, बाबा जी का सबको मालूम था, अंदर बाहर से मालूम था, जो अभी गर्मों में ले वो बाबा जी तो सब मालूम था, फिर भी उनको संभाले हुए थे, फिर भी उनपे अपने आशीर्वाद दे रहे थे, कभी किसी से बदला लेने का सोचा नहीं था उन्होंने। जो आज खामोश बैठे हैं, उनको मैं आंसू लेकर, वो भी इस नंकार से, और सुदीक्षा परिवार वाले करते हैं। सुदीक्षा का जुहू में 25-26 करोड़ का लेकर के प्लाट और इंटीरियर कराना, ये लेविश लाइफ नहीं है? नहीं, उस समय उनकी शादी हुई थी, वो जुहू में शिफ्ट हो रहे थे, तो अपनी अपनी सबकी होती है ना, हम ये थोड़ी पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब उनकी शादी हुई थी अवनीत जी के साथ, वहाँ पे अवनीत ने, उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे वो घर बना रहे थे। मान लिया 1 करोड़ का था, कितना था वो, हमने क्या करना है? बाबा जी की बॉडी को आपने देखा नहीं था क्या? देखने नहीं दिया गया था? नहीं नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था? क्या आपको वाकई नहीं मालूम कि इतनी जगह चोट और 6 पलटियां, ये सब एक अलिफ लैला की कहानी थी? ये तो वही था ना, वो तो मिस्ट्री से एक बनी हुई ना,
हाँ। दो ही बोले कि भाई को ये ऐसे सस्पेंस की मूवीज बहुत पसंद थी, पर हमको नहीं मालूम था कि उनकी लाइफ भी एक सस्पेंस ही बन जाएगी। मगर ये सस्पेंस इनके हाथ में ना, ये तो हम भी मानते हैं, हमारे को भी दिल दर्द होता है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे पलटी कैसे आई। अभी मैं वहाँ पे होके आई, मॉन्ट्रियल गई थी, तो वही सीन आंखों के आगे घूम रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब समय को तो वापस नहीं ला सकते। आप कर सकते थे, आप रिपोर्ट निकलवाने का जोर दे सकते थे इस परिवार पे कि रिपोर्ट निकाल के लाओ। आप बहन थे, आप बाबा जी के पत्नी और बच्चों से क्या मतलब था? नहीं वो तो साफ था कि मैं पत्नी कर सकती है और वो बच्चे कर सकते हैं। वो पत्नी सदगुरु के मिशन में बच्चे और माँ बाप आ गए, तभी तो मिशन बर्बाद हो गया। कि ये बच्चों का मिशन बन गया, बहनोइयों का मिशन बन गया और ये दामादों का मिशन बन गया। अब देखिए जो भी हो रहा उसमें तो हम तो ऐसे, आपको आगे आना होगा। आज मैं इतना ही बात करूंगा, मैं बहुत रोता हूँ बहन। आपके दर्द में बिल्कुल आपका दर्द समझती हूँ, आपको मैं वो करती हूँ बिल्कुल, आप जो इतनी वो आपके दिल में जज्बा है। लेकिन मेरे को, मैंने तो सही बोलूं तो मैंने सब नंकार पे छोड़ा, अगर इसे प्रकट करना तो सबकी मार के ही कर लेगा और कुछ देर नहीं लगे। हम तो यही कहेंगे कि दातार जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं उनको और शक्ति दो, उनको और इन भ्रष्टाचार और ये जो कृपा सागर का मामला सामने आया है, ये भारती मूर्तियानी और ये सब, हाँ विवेक मौजी, कविता बेकल, कुलदीप लाल पगड़ी, बाबा जी की नाक के नीचे ये हरम बना के बैठे हुए थे। तो वो तो अभी कोई अभी की बात नहीं, वो तो हम सब जानते ही थे, पहले भी जानते थे, ऐसी बात नहीं है। बाबा जी से शायद किसी ने पूछा भी कि आप कुलदीप को क्यों साथ रखते हैं, तो उन्होंने वही बोला जैसे शिव जी धर्म को गले में डालते थे तो अपने पास सामने ही रखे तो ठीक रहता है। कुल मिलाकर के यह जितनी भी बातें थीं वो एक ही जगह जाकर टिकती हैं। वैसे बेहिसाब जायदाद है, लोग कहते हैं कि 1 लाख या 2 लाख करोड़ की जायदाद होगी, दिल्ली में ही बेहिसाब है और देश के तमाम हिस्सों में जहां जहां संगत है उस संगत ने अपने लिए ज़मीन ली, उसके बाद उस ज़मीन में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और उसकी देख रेख जो है वहाँ की यूनिट करती है। पूरे देश में यूनिट है, सब जगह ज़मीनें हैं, सब जगह मकान हैं और देश के बाहर भी। तो अगर देश और विदेश के भीतर बेहिसाब जायदाद है, वो जायदाद सिर्फ एक आदमी के काम आ रही है तो फिर सवाल उठना चाहिए। 2008 में, इसके पहले अनुराग तन्हा ने मुझसे कहा था कि 2008 में इनका जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट क्या होता है, चैरिटी काम करता है, यानी कि समाज के कल्याण के लिए अगर आप जरिया बन जाते हैं तो आपको सरकार रियायत देती है टैक्स में। तो जो लोग आपको चंदा देते हैं उन लोगों को टैक्स में रियायत मिलती है कि आपने समाज के, देश के काम की खातिर अपना पैसा लगाया है, इसलिए उस पैसे को आपकी आमदनी से हम बाहर करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं। लेकिन उस ट्रस्ट पर सवाल ये खड़ा किया गया कि जिस मकसद से आप पैसा लेते हैं, जिस मंशा से आप पैसा लेते हैं वो नेक नहीं है। आप पैसा लोगों से लेते हैं समाज के कल्याण के लिए, ट्रस्ट के जरिए लोक कल्याण के लिए, देश में कुछ अच्छा करने के लिए, जो कमज़ोर तबका है उसका जीवन बेहतर हो जाए, पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो, इस सब के लिए आप लेते हैं। आप काम अपना करते हैं, आप अपना वैभव बढ़ाते हैं, आप अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, तो इसलिए 80C के तहत जो आपको रियायत मिली हुई है ख़त्म। तो जब ख़त्म हो जाती है इसका मतलब कि आपके ऊपर एक बड़ा सवाल है और यह पूरी जायदाद आप खड़ा करते हैं, तो जायदाद खड़ा करते 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 आप एक अंधी दौड़ का हिस्सा हो गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह का जीवन लोगों को देना चाहते हैं। अध्यात्म के रास्ते पर चलने का, कहने का, दावा करने के बावजूद आप दरअसल भौतिकता की अंधी दौड़ का हिस्सा हैं। जितने भी उद्योगपति इस देश के हैं जो लोगों का खून चूस करके अपनी कमाई को बढ़ाते जाते हैं, अपना वैभव बढ़ाते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, आप भी दरअसल वही हैं, लेकिन आपने पर्दे के नीचे एक फरेब के तहत किया है सब। आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कल्याण के नाम पर, मानव समाज के नाम पर, देश की बेहतरी के नाम पर यह सब किया है, इसलिए आप बहुत बड़ी जालसाज हैं। आप फरेब करती हैं, आप झूठ बोलती हैं। हत्यारा कह के हत्या करता है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चोले में कोई साधु अगर पाप करता है तो बहुत खतरनाक है। इसलिए मेरा सवाल आपसे है,
मैं बार बार आपसे टकराता इसलिए हूं कि आप जिस आस्था को लेकर के इतने करोड़ों लोगों की श्रद्धा को लेकर के अपने साथ चलती हैं और फिर उनके साथ फरेब करती हैं, अपना जीवन कैसा जीना चाहती हैं, दूसरों का जीवन कैसा रखना चाहती हैं, दूसरों के पैसे से अपने सुख को कितना बढ़ाना चाहती हैं, यह अगर आपका जीवन है, जीवन दर्शन है, तो लानत है। मेरी बात आप सुनिएगा, 100 दफ़ा सुनिएगा, इसलिए कि मेरी बातचीत सिर्फ आपसे होती है सुदेशा जी, और मैं चाहता हूं कि अगर आपके भीतर थोड़ा भी बदलाव हो जाता है तो किसी भी वक्त आदमी सही रास्ते पर आ जाए, रास्ता बिल्कुल सही हो जाता है, वक्त भी सही होता है, आप बदल जाइए। अगर आपने अपने कमाने और कमाने के जरिए अपने जीवन को वैभवशाली बनाने, दुनिया भर के सुख और दुनिया भर की सुविधाओं को भोगने का भीतर से एक ललक लेकर के अगर जीती हैं, तो यह ललक जो है वो बहुत साधारण आदमी की है, वह कोई भी हो सकता है। एक आदमी जो आज रिक्शा चला रहा है, कल वो अरबों का हो जाएगा, उसका जीवन वैसा ही हो जाएगा, लेकिन वह अध्यात्म गुरु नहीं हो सकता है, वो संत नहीं हो सकता है, वो साधु नहीं हो सकता, महात्मा नहीं हो सकता है। हमारी परंपरा में संत, साधु, महात्मा, गुरु, इनके लिए अलग अलग परिभाषाएँ हैं जो साधारण से हटके हैं। यह लोग सड़क पर होने के बाद भी, फकीर होने के बाद भी असाधारण होते हैं, उनकी पूजा होती है, इसलिए सदियों तक जाने जाते हैं। आप दरअसल उस परंपरा को खत्म कर रही हैं, उस परंपरा पर सवाल खड़ा कर रही हैं, उस श्रद्धा और भरोसे को कहीं ना कहीं आप धोखे में रख रही हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे, और आपको सोचना चाहिए, अगर आज भी आप पलट जाती हैं, आपका जीवन पलट जाता है, आपका मन बदल जाता है, आप इस रास्ते से उस रास्ते पर आ जाते हैं जो आपकी, आपके पिता का है, आपकी परंपरा का है, जो निरंकार का है, तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज़ें, तस्वीरें दुनिया देख रही है, जो आपका है, इसी तरह के सुख को, इसी तरह के वैभव को आप भोगना चाहती हैं, आप अपनी शादी में लकदक कपड़ों में दमकना चाहती हैं, आप अपनी शादी में दुनिया भर के माल असबाब जमा करना चाहती हैं, रोशनी में, रंग में, जोश में, जलसे में, उत्साह में, उल्लास में पूरे माहौल को डुबो के रखना चाहती हैं, रात भर एक सिलसिला इस तरह का चलते रहना चाहिए, ऐसा चाहती हैं। यह तो हर आदमी चाहता है, जिसके पास दो है दो खर्च करता है, जिसके पास 2 अरब है वो 2 अरब खर्च करता है। ये हटके तो है ही नहीं, आप लीक से हटके नहीं हैं, इसलिए आप गुरु नहीं हैं, आप किसी भी परंपरा की खैरियत नहीं चाहती हैं, आपके जरिए किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक रास्ते की खैर नहीं है, इसलिए अपनी खैर मनाइए, सही रास्ते पर आइए। मेरा लगातार आपसे कोई मतभेद नहीं है, मेरा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन मेरा टकराव है इसलिए कि आप जो होने का दावा करके जो हैं वो गलत है, उसको ठीक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सोचेंगी और वक्त के साथ खुद को बदलेंगी। नमस्कार।